बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। रात 8 बजे मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इसके बाद हरदोई में भी दुकानों पर भीड़ ही भीड़ दिखी, चाहे मेडिकल स्टोर हो, राशन की दुकान अथवा सब्जी की दुकान। हर रोज से काफी संख्या में लोग जुटे रहे और जरूरत की सामग्री खरीदते रहे। हालांकि पीएम और सीएम ने अपील की थी कि हर रोज दुकानें खुलेंगी, लेकिन जनता ने आशंका के चलते बाजारों की तरफ रुख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए रात 12 बजे से देश में पूरी तरह से लॉकडाउन होगा। यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा। यह 21 दिन का होगा। मोदी की घोषणा के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। सबसे ज्यादा भीड़ दवा और राशन की दुकानों पर दिखी। यहाँ दवा राशन की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा सामान लेने की होड़ में नजर आया। कस्बाई इलाके में राशन की दुकान वालों ने सामानों के रेट बढ़ा दिए। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग बाहर आए। किराना और दवाओं की दुकान में भीड़ सी रही। कुछ जगहों पर लोग कतारों में लगे रहे तो कुछ स्थानों पर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखी गई। हालांकि सरकार ने कहा कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग आशंकाओं में डूबते हुए दुकानों में दिखे हैं। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लॉकडाउन 21 दिन का किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। हम निकले थे चूंकि नवदुर्गा कल से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत सामान घर के लिए जरूरी है वो आवश्यक चीज ले लेते हैं। मेडिकल में भी थोड़ी दवाई वगैरह लेना है, वो भी लेना है, और नवदुर्गा में जरूरी सामान जो भी आवश्यक है वो भी हम लेने निकले हैं। भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सामान ले रहे हैं सभी लोग, और माननीय मोदी जी के इस सराहनीय कदम की हम प्रशंसा करते हैं। भैया, सब्जी की दुकानों पे बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ है सब्जी की दुकान पे। लोग एक एक दो दो किलो अपना सामान ले जा रहे हैं क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन है। इस बीच कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सामान अपना पहले से लेके रखना जरूरी है। क्या नाम है भैया आपका? अनुभव वाजपेयी। 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है, उसके लिए हम अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर रख रहे हैं, और हो सकता है सारी दुकानें बंद रहेंगी, इसलिए हम अपनी जरूरत सारी चीजें खरीद कर रख रहे हैं। और मोदी जी ने जो फैसला लिया है, उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए हमें, देश की जो रक्षा और सुरक्षा के लिए तत्पर रहे हमें। जैसे ही हमें पता चला मोदी जी ने टीवी पे बोला 21 दिन का जनता कर्फ्यू, वैसे ही हम लोग सब दुकान पे आए सौदा खरीदने के लिए, सब खरीद के अपने अपने घरों को ले जा रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.